नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की, और हर शनिवार लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में किए गए व्रत त्योहार और पूजा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। तो आज इसी कार्तिक मास में आने वाले महापर्वों की बात करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंडित जी से इन महापर्वों के बारे में। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, हमारे इस परिवार का हमेशा कल्याण हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप जीवन के सबसे कठिन समय में से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट लगातार बने हुए हैं, दाम्पत्य सुख में कमी हो रही है, संतान के विवाह में देरी हो रही है, सालों बीत गए लेकिन संतान सुख से वंचित है, लाख इलाज करा लिए मेडिकल साइंस के लेकिन उसके पश्चात भी गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। लगता है जैसे कि जीवन का सबसे बुरा समय गुजर रहा है, हर काम में रुकावट, हर काम में हर्डल, लाख कोशिश कर ली लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। यदि आपको लगता है तो आज से अगले 6 दिनों में, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले महापर्वों की आज मैं बात कर रहा हूं। भीष्म पंचक व्रत, देव उठनी एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिनों में भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की, भगवान हे हरे की आराधना आपके सभी संकटों को, सभी कष्टों को दूर कर सकती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि अगले 6 दिनों में आने वाले इन महापर्वों में इन क्या क्या हमको करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भीष्म पंचक व्रत। इस बार 10वीं तिथि यानी 21 नवंबर 2015 शनिवार के दिन से अगले 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत किया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों का जो ये व्रत है वो भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का श्रेय हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसलिए भीष्म पंचक जो व्रत है वो दिनांक 21 नवंबर 2015 शनिवार के दिन से ही प्रारंभ हो जाएगा और अगले 5 दिन तक रहेगा। तो आइए जानते हैं भीष्म पंचक व्रत है क्या, क्या महत्व है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ भीष्म पंचक व्रत। कार्तिक मास की महिमा का मैं पहले भी आपको बखान कर चुका हूं कि कार्तिक मास कितना पवित्र मास है, मासों में उत्तम मास कार्तिक मास। स्नान का बहुत महत्व है, पूजा पाठ दान का बहुत महत्व है, व्रत का बहुत महत्व है। पूरा पूरा कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठ के लोग पूजा पाठ करते हैं। तो यदि आप कार्तिक मास पूरा नहीं कर पाए हो, पूरे मास का व्रत नहीं कर पाए हो, स्नान नहीं कर पाए हो, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि या एकादशी से पूर्णिमा तक सूर्योदय से पूर्व स्नान एवं व्रत करने से कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो आपने पूरे पिछले 25 दिनों में नहीं किया है वो अगले 5 दिनों में यदि आप व्रत रखते हैं, शनिवार से लेकर बुधवार तक का, सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, तो संपूर्ण कार्तिक मास का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। पुष्कर तीर्थ में तो जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, आज भी वहां पर श्रद्धालु जो है नियम पूर्वक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा
कि ये इस व्रत का इतना बड़ा महत्व क्या है, फल क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्सर शैया, आपको ध्यान हो महाभारत के अंदर तीरों की शैया के ऊपर अर्जुन ने भीष्म को लेटा दिया था, तीर की शैया थी उनके ऊपर भीष्म लेटे हुए थे और मृत्यु का अंतिम सांस का इंतजार कर रहे थे। तो वत्सर शैया पर सोए हुए भीष्म के पास सबको लेकर भगवान श्री कृष्ण गए और कहा कि अब ज्ञान का सूर्य अस्त होने वाला है। कितनी बड़ी बात है, ज्ञान का जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है। ये जो भीष्म पितामह है ये ज्ञान का साक्षात सूर्य है, इनसे आप धर्म के विषय में पूछ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। तब सब ऋषि मुनियों की सन्निधि, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और यश धर्म, इन्हीं 5 दिनों में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में अर्जुन और सब ने उनसे उस ज्ञान को पूछा। 5 दिन तक वो शैया पर, तीरों की शैया पर छोरे, हमारे तो एक सुई चुभ जाती है तो दर्द हो जाता है, तो वो तो 5 दिनों तक तीर की शैया पर विश्राम कर रहे थे और उन्होंने सभी धर्म ज्ञान के बारे में बताया, उनका वर्णन किया। भीष्म का उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पिता महा, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूं। तो जो मनुष्य कलयुग में इस व्रत को करेंगे, जो मनुष्य कलयुग में इस व्रत को करेंगे, भीष्म पंचक को व्रत को करेंगे, 5 दिनों का व्रत करेंगे, जीवन भर विविध प्रकार के, नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, गोकुल धाम में स्थान प्राप्त करेंगे, मेरे श्री चरणों में उनको स्थान मिलेगा, इसीलिए इस महाव्रत को भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। जो संतानहीन है, लाख प्रयास करने के बाद भी जिनको संतान नहीं हो रही है, वो इस व्रत के प्रभाव से 1 वर्ष के अंदर संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु पंचक व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कैसे करें विष्णु पंचक व्रत, ऐसा क्या करें 5 दिनों में भगवान श्री हरि की आराधना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, मां तुलसी जी की आराधना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का अखंड ज्योत जलाइए, ओम विष्णवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तेल और जौ की 108 आहुतियां देते हुए हवन करिए। श्री कृष्ण की साक्षी एवं मोक्ष धम वर्णन के कारण ये दिन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो भीष्म पंचक व्रत का जितना हो सके आप सभी दर्शक लाभ उठाइएगा। पंडित जी, अब हम आपसे देव प्रबोधिनी एकादशी के बारे में भी जानना चाहेंगे, साथ ही हम इसके महत्व के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी, भगवान विष्णु जो निद्रा के अंदर गए हुए थे वो देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी पे उनकी निद्रा खुलती, नींद खुलती है उनकी। तो इस बार देव उठनी एकादशी महापर्व रविवार दिनांक 22 नवंबर 2015 के दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है, प्रबोधन का अर्थ क्या है। प्रबोधन का अर्थ है जागना, देव प्रबोधन का अर्थ होता है देवताओं का जागना। जिस तरह आप और हम रात होते ही सोने चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पुराणों की मान्यता यह है कि देवता भी एक नियत समय पर सोते और जागते हैं। पुराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु साल के 4 महीने जो हैं वो शेषनाग की शैया पर सोने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पे वो उठ जाते हैं। आप देखिएगा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देव उठनी एकादशी पे भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। उससे थोड़े दिन पहले दीपावली पे माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है।
हिंदू शास्त्रों में आपके हमारे घर में अक्सर देखा गया, सब जगह लगभग ये कि पत्नी जो है वो पति से पहले उठती है, घर की साफ सफाई करती है। तो कितना अजब संजोग है कि दीपावली पे हम पूरे घर की सफाई करते, माँ लक्ष्मी पहले आगमन करती, उसके बाद में देव उठनी एकादशी आती, फिर भगवान विष्णु अपनी शयन से उठते हैं, अपनी निद्रा से उठते हैं। तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को कितना महत्वपूर्ण देखा गया है कि पत्नी हर जगह जो है वो पति से पहले पहुंचती है और अपने पति की सेवा के लिए हर चीज़ की तैयारी करके रखती है। तो लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के लिए जो है वो पूरी साफ सफाई करवा के और बिल्कुल तैयार रहती है। तो दोस्तों, पत्नी का मान रखा करिए। इसी कारण इसे देवोत्थान, देव उठनी या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के उड़ जाने के बाद अन्य देवता भी निद्रा त्यागते हैं। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो देव प्रबोधनी का अर्थ होता है स्वयं में देवत्व को जगाना, खुद के अंदर भगवान को जगाना। देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी विवाह की परंपरा है। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य, चाहे वो विवाह हो, संस्कार हो आदि, इस दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो देव प्रबोधनी एकादशी से शुभ कर्म शुरू करने का अर्थ है भगवान अब हमारे हर काम के साक्षी हैं। अभी तक तो भगवान सो रहे थे, हम पूजा कर रहे हैं पर वो सो रहे, अब वो जग गए हैं, तो हम जो पूजा करेंगे उसके वो साक्षी हो जाएंगे। तो मन में भगवत भाव पैदा हो, भगवान श्री हरि का भाव पैदा हो, श्री कृष्ण का भाव पैदा हो, ऐसे विचारों से ही कर्म सफल होते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि विधि क्या है देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को कैसे मनाएं, क्या करें। तो एकादशी तिथि को रात्रि के समय भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए भगवत कथा का पाठ करें, पुराणों का पाठ करें, स्त्रोत पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भजन गाएं, घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा आदि वाद्य यंत्रों से भगवान को मुग्ध करें और ये बोले कि हे गोविंद, हे हरे, हे कृष्ण, हे लल्ला, हे गरुड़ ध्वज, आप उठे, आप जागते हैं तो तीनों लोग जागते हैं, आप सोते हैं तो तीनों लोग सो जाते हैं, त्राही त्राही मच जाती है, आप उठिए, आप बाहर पधारिए, ऐसी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। भगवान के सिंहासन को फूलों से, पत्रों से, फलों से सजाकर भगवान श्री हरि का, विष्णु पूजा का या पंचदेव पूजा का विधि अनुसार पूजा जो है वो विधान पूर्वक आपको करना चाहिए। मान्यता ये है कि देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर जगत का पालन पोषण करने का कार्य शुरू कर देते हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, देव उठनी एकादशी पे संकल्प ले लीजिए और उस संकल्प से चलिए, देखिए कितनी आपको जल्द सफलता प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और जानेंगे इस कार्तिक मास में आने वाले कुछ और त्योहारों के बारे में।